दोस्तों नमस्ते। आज का ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम असमर्थता कठिनाई या अक्षमता। हमारा जो रीट का सिलेबस है उसकी जो चौथी यूनिट है उस चौथी यूनिट में इस टॉपिक को डाला गया है, वैसे अधिगम का भाग है। और ये एक प्रकार से टॉपिक मत समझिएगा, ये मान के चलिएगा कि आने वाली रीट, आने वाली सीटेट, आने वाली सेकेंड ग्रेड एग्जाम और आने वाली स्कूल व्याख्याता की एग्जाम शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न ना आता हो। जब मुझे पता चल जाए कि यहां से प्रश्न आने वाला है और उसके बावजूद यदि मैं उस प्रश्न को अच्छा नहीं कर पाता हूं, तो निश्चित रूप से कमजोरी किसकी होती है? मेरी होती है। तो इसलिए आपको ऐसे टॉपिक्स जहां से निश्चित ही प्रश्न आते हैं उन टॉपिक्स पे बहुत कम मटेरियल मिलता है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि नॉर्मल टॉपिक हर जगह यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे टॉपिक जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को बेहद संजीदगी के साथ तैयार करना हमारा कर्तव्य बनता है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट बनना, इसके लिए आपको ऐसे टॉपिक्स की पहचान करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है? तो आज का टॉपिक शुरू करें। लास्ट में इस टॉपिक के समाप्ति के बाद में हर टॉपिक या ऐसे कोई भी विवादित जो प्रश्न है मनोविज्ञान के, जैसे पिछली बार मैंने दो प्रश्नों का समाधान किया था, वैसे एक बुद्धि के विवादित प्रश्न का मैं समाधान करूंगा इस टॉपिक के जस्ट बाद में। ये टॉपिक मैं आपको दो पार्ट में करवाने जा रहा हूं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। और दूसरी बात आपको ये समझनी है कि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किसी भी किताब में, किसी भी प्रकार के YouTube चैनल पे आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। कम्प्लीटली एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि इतना कवर कर लेते हैं तो ये मान के चलेगा कि आने वाले रीट और सेटेट, आने वाली स्कूल व्याख्याता में आपका प्रश्न जरूर सही होगा। देखिए, अधिगम असमर्थता, अधिगम कठिनाई, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी हम इसको बोलते हैं, मतलब आप किसी कार्य को सीख नहीं पाते हैं। आपकी जो सीखने में कठिनाइयां हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। एक प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है, अधिगम से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी जो मस्तिष्क की संरचना है उससे भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। बेहद आराम से एक चीज़ को समझना है कि मैं कैसे इस टॉपिक को तैयार करके जाऊँ कि इसमें से एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं हो। इसके लिए सबसे पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक का एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और अब तक कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, ये आपको समझना पड़ेगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को सबसे पहले समझने के लिए, जैसा मैंने बताया कि इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वास्तविक इसका शाब्दिक अर्थ यही है, अमेरिका की एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, ठीक है? उसने एक बहुत सुंदर रूप में इसकी परिभाषा दी है, परिभाषा इस पर नहीं पूछेगा याद रखना, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ये है कि 1963 में, पहली चीज़ आपको जो समझनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग, 1963 में एक व्यक्ति हुए हैं सैमुअल क्रिक। कौन हुए हैं? सैमुअल क्रिक। अब ये प्रश्न पहले कभी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब भी कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सैमुअल क्रिक ने किया। कब किया? 1963 में। देखिए, इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले ये थे, बाकी इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी का अध्ययन किया है, लेकिन वास्तविक जो प्रश्न इंपॉर्टेंस के हिसाब से इस टॉपिक को चाहे अपन 2 घंटे 5 घंटे पढ़ लें, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरी है, ठीक है? तो सैमुअल क्रिक ने 1963 में इसका अध्ययन किया और बाकायदा इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एक रिसर्च पत्रिका का प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया? लर्निंग डिसेबिलिटी ने अधिगम अक्षमता के ऊपर एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया और एक संस्था बनाई जो इन बच्चों के ऊपर कार्य करे, ठीक है? लेकिन 1994 में अमेरिका की जो संयुक्त संसदीय समिति थी, ठीक है, इस समिति ने जो उसकी डेफिनेशन दी है, किसने दी थी? अमेरिका की संयुक्त संसदीय समिति ने, जॉइंट कमेटी ने, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी पे एक संयुक्त समिति गठित की गई थी और उसने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी। वो क्या दी? कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी कब होती है? हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, कौन सा तंत्र है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें जब कोई विकार उत्पन्न होता है, किसमें विकार उत्पन्न होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार से ऐसा विषम समनी, याद रखना, एक विषम जातीय या विषम रूप से विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की असमर्थता या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार की वजह से एक विषम रोगों का ऐसा समूह जिसमें लिखने, पढ़ने, सुनने, तार्किक योग्यता, भाषा योग्यता,
वह गणितीय विकृति। देखिए मैं कई शब्द बोल चुका हूँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऐसे विषम जातीय विकार जिसमें लिखने का दोष हो, पढ़ने संबंधी दोष हो, सुनने संबंधी दोष हो, तार्किक योग्यता संबंधी दोष हो, भाषा योग्यता संबंधी दोष हो और गणितीय विकृति संबंधी दोष हो, यानी ये जो विकार जिसमें पाए जाएंगे उसको अपन बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम कठिनाई, अधिगम अक्षमता। समझ में आ गया? बहुत सिंपल अर्थ में, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बहुत रिलैक्स मूड में पढ़ना है। एक एक चीज़ें साइकोलॉजी में इतनी आसान है, बस आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि पर्सन कैसे और कहाँ से आता है। समझ में आ गई बात? वास्तविक अर्थ क्या हो गया? हमारा जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित विषम जातीय विकार हैं ये, ठीक है। और उनमें कौन कौन से विकार हैं स्पेशली, जिसमें अपने लिखने संबंधी कठिनाइयां हों, सुनने संबंधी कठिनाइयां हों, पढ़ने संबंधी कठिनाइयां हों, गणितीय संबंधी कठिनाइयां हों और तार्किक योग्यता संबंधी स्पेशली कठिनाइयां हों, उन सबको अपन लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम कठिनाइयां बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सैमुअल क्रिक ने किया। कब किया? 1963 में। तो एक प्रकार से लर्निंग शब्द के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया है वो किसने किया? सैमुअल क्रिक ने। यद्यपि गोल्डस्टीन, क्रुकशैंक, स्ट्रोस, मोरिन, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किए हैं, अलग अलग, डोनाल्ड लिंकर, पता नहीं कितने सारे अध्ययन हुए हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? सैमुअल क्रिक याद रखना है। पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी, बाकी परिभाषा भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, इसने 1963 में सैमुअल क्रिक ने शब्द का प्रयोग किया। ऐसा एक शब्द आता है, कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं समझा रहा हूँ, एक शब्द आता है अधिगम असहायतापन। बहुत से बच्चे समझ लेंगे क्या यही शब्द सेम है, अधिगम असहायतापन एक अलग शब्द है, याद रखना, इसको इससे नहीं जोड़ना है। अधिगम असहायतापन एक प्रकार से निर्जित असहायता की स्थिति है, और ये अधिगम असहायतापन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था सेलिगमैन व मायर ने। किसने दिया था? सेलिगमैन वे मायर ने कॉन्सेप्ट दिया था, और इसने कुत्तों पे प्रयोग करके बताया था कि लर्निंग डिसेबल मतलब व्यक्ति जब बार बार कार्य करता है और बार बार कार्य करने पर असफल होने पे किस प्रकार से अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, मैं इसको अलग से समझाऊंगा। यहाँ आपको दिमाग में रखना है अधिगम असहायतापन एक अलग कॉन्सेप्ट है और लर्निंग डिसेबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी कि ये तो एक प्रकार से इस शब्द की चर्चा हो गई कि शब्द का प्रयोग किसने किया है। थोड़ा सा कोई भी जब रोग हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। पहले नॉर्मली पर्सन इस पर केवल डिसलेक्शिया वगैरह इनके पर्सन आते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, नया नया एग्जाम पैटर्न आता जा रहा है, अब कई बच्चे सोचते हैं कि ऊपर ऊपर का पढ़ लें, ऊपर ऊपर के पढ़ने से पर्सन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अब आने वाला एग्जाम ऐसा होगा कि आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इसलिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूँ इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, प्रकृति के ऊपर पहले कभी प्रश्न नहीं पूछे गए, इसके स्वरूप पे कभी प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ से दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक आंतरिक विकार है। कौन सा विकार है? आंतरिक विकार, यानी बाह्य रूप से आपको दिखाई नहीं देगा। ये एग्जाम में नहीं आया है, फिर भी आपको याद रखना है। कई बार दिमाग में आता है लर्निंग डिसेबिलिटी आप में पैदा हो गई, क्या स्थाई होगी या अस्थाई होगी, क्या दूर हो सकती है? ये व्यक्ति में आने के बाद एक प्रकार से स्थाई स्वरूप होता है इसका, कम हो सकती है लेकिन कम्प्लीटली कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आंतरिक विकार है, स्थाई स्वरूप है। किससे संबंधित विकार है? तो मैंने आपको बता दिया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। ये सीटेट एग्जाम में आ चुका है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है, उससे संबंधित ये विकृति है। अब तीन बिंदु बताए मैंने, तीनों याद नहीं हूँ, कम से कम ये तो याद कर लेना कि इसका संबंध किससे है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार ये माना जाता है। चार नंबर के ऊपर आपको याद रखना है, क्या ये जैविक समस्या है? निश्चित रूप से जैविक समस्या है। जैविक समस्या क्यों है? क्योंकि इसका संबंध किससे है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। इसलिए एक प्रकार से कौन सी समस्या होगी? जैविक समस्या भी होगी। क्या ये मनोवैज्ञानिक समस्या है? निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल समस्या है, तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो गई। अब देखिए, ये चार से पाँच बिंदु हो गए इसके, स्पेशली आपको समझना है, आंतरिक है, स्थाई है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित विकृति है, जैविक है क्योंकि इसका संबंध इससे है, और एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। क्या ये जो अधिगम असमर्थ हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये वंशानुक्रम की वजह से होती है या जन्मजात होती है? तो याद रखना, इसको जो अमेरिका की संयुक्त समिति थी
लर्निंग डिसेबिलिटी पे, उसने इस बात को कहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठीक है। मूल रूप से इसके जो लक्षण होते हैं वो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में पहचाने जाते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता था पता चलता है कि यार इसमें तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन जिंदगी की किसी भी अवस्था में हो सकती है, यानी इसको आप जन्मजात नहीं कह सकते, जन्मजात हो सकती है 90%, लेकिन ये बाद में भी हो सकती है, याद रखना है, तो ये जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है। दूसरा आपको इसमें ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी संबंधी जो विकृति हमारे अंदर है उसके मूल रूप से कारण क्या है, ये तो एक प्रकार से इसकी प्रकृति होगी, याद रखना कारण क्या है। तो कारण में याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नॉर्मली आपको दिमाग में रखना है, कारण की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो वंशानुक्रम संबंधी यानी आनुवांशिकता एक दोष हो सकता है, वंशानुक्रम में दोष की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी वंशानुक्रम एक कारण है, वंशानुक्रम क्या है, कारण है। दूसरा, हमारी जो मस्तिष्क की संरचना आपका जो ब्रेन है उसमें कोई भी डिफॉल्ट पैदा होगा, उसमें कहीं भी रोग हो गया, कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ आपके अंदर रोग हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा, वातावरण की वजह से भी हो सकता है, वातावरण में आप जब बाहर गए, बाहर कुछ ऐसा कुछ खा लिया पी लिया, यानी वातावरण संबंधी कोई भी ऐसी विकृति हो गई, बाहर इतना प्रदूषण इतना फैल गया उससे आपके दिमाग पर कोई चोट लग गई उससे भी हो सकता है। जन्म या प्रसव पूर्व से स्थितियाँ, ठीक है, जन्म के पूर्व की स्थिति, जैसे माता जो गर्भावस्था में बच्चा है उस समय माता पिता ने कोई मादक द्रव्य का सेवन कर लिया, रेडियो विकिरण का कोई प्रभाव पड़ गया, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज़ विषाणु का प्रभाव हो गया उससे भी बच्चे में ये विकृति पैदा हो सकती है। तो वंशानुक्रम भी कारण हो सकता है, मस्तिष्क दोष हो सकता है, वातावरण संबंधी कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जन्म पूर्व की स्थितियाँ, जन्म के समय की जो गर्भावस्था की स्थितियाँ वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ आपको यह समझना है कि वंशानुक्रम भी जिम्मेदार है तो वातावरण भी जिम्मेदार इसके लिए हो सकता है, और हमारी ब्रेन की संरचना भी जिम्मेदार हो सकती है, कोई मानसिक रोग भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, ये इसके कारण होते हैं। अब इन बच्चों के लक्षण कैसे होते हैं दोस्तों, नॉर्मली अपन इसको चार विकृतियों में पढ़ेंगे, पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और संचार विकृति, ठीक है, लेकिन स्पेशली आपको समझना है कि नॉर्मल लक्षण क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी युक्त बच्चों के, क्योंकि एक प्रश्न तो निश्चित है यहां से, तो आपसे नॉर्मल लक्षण पूछ ले तो आपको दिमाग में क्या रखना है। तो नॉर्मल लक्षणों की हम बात करते हैं तो याद रखना, एक तो इनकी मेमोरी कमजोर होती है, यानी स्मृति क्या होगी इन बच्चों की, कमजोर होगी। नॉर्मली जो इनके लक्षण है वो थोड़ा सा एक अप्लाइड दिमाग में रखना है, ठीक है, इनकी मेमोरी कमजोर है, स्मृति कमजोर रहेगी इन बच्चों की, ठीक है, इन बच्चों का प्रत्यक्षीकरण कमजोर रहेगा, परिसेप्शन, देखने की समझने की, ठीक है, इनका अटेंशन बहुत कमजोर रहेगा, अवधान यानी लंबे समय तक किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते, स्मृति कमजोर, प्रत्यक्षीकरण कमजोर, अवधान कमजोर, भावात्मक रूप से ये लोग क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, भावात्मक रूप से क्या होंगे ये लोग, अस्थिर होंगे, ठीक है, उत्तेजनशील होते हैं ये लोग, स्मृति कमजोर, प्रत्यक्षीकरण कमजोर, अवधान, भावात्मक स्थिरता, उत्तेजनशीलता, उपलब्धि और योग्यता में अंतर, किस में अंतर, उपलब्धि व योग्यता में अंतर। अब उपलब्ध योग्यता मतलब समझ रहे हैं, आप में योग्यता है, नॉर्मल बच्चा है औसत, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो पढ़ाई में उसके अचीवमेंट उन योग्यताओं के अकॉर्डिंग नहीं आता है, उनमें डिफरेंस आ जाता है, देखने में बच्चे बड़े नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब इनका स्कूल में जाने के बाद इनका जब प्रोग्रेस होती है, इनका जब रिजल्ट आता है, तो वहां आपको एकदम से डिफरेंस मिलेगा, ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की विशेषता है। तो एक प्रकार से ये इनके नॉर्मल लक्षण है, स्मृति का, प्रत्यक्षीकरण का कमजोर होना, अवधान का कमजोर होना, भावात्मक स्थिर होना, उत्तेजनशीलता होना, उपलब्धि योग्यता में कमजोर होना, इसके अलावा ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लीडरशिप का इनमें थोड़ा सा कमजोर पाया जाता है, ठीक है, और समायोजन की भी इनके साथ दिक्कत होती है, कठिनाइयां महसूस करते हैं, इनके नॉर्मल लक्षण है। तो एक माइंड में एक पिक्चर सेट करनी थी कि वास्तव में लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या समझना है, सैमुअल क्रिक ने शब्द का प्रयोग किया, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब संबंध किससे होता है, लेखन से, सुनने से, बोलने से, गणितीय विकृति से, सोचने समझने से, इससे इसका मतलब मूल रूप से होता है, ठीक है। कारण क्या हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, जिंदगी किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती है, आंतरिक विकृति है, स्थायी स्वरूप में होती है, और हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित विकृति है। ये आपको एक नॉर्मली इनकी पृष्ठभूमि दिमाग में रखनी है। अब मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर आपको लेके जा रहा हूं, इसके अंदर की ओर मैं आपको लेके जाऊंगा। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है इसके चार प्रकार स्पेशली माने गए हैं, बाकी बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने अपनी जो अमनी मनोविज्ञान है उसमें बहुत डिटेल्ड में इनका वर्णन कर रखा है, बहुत ज़्यादा मैटर डाल रखा है, लेकिन आप चार रूप में समझिएगा। सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो विकृति वो आती है गणितीय विकृति, पठन विकृति, कौन सी विकृति,
पठन विकृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज जो चर्चा कर रहा हूँ केवल पठन विकृति कर रहा हूँ, क्योंकि पठन विकृति में एक ऐसा रोग पढ़ाने जा रहा हूँ जिस पे 99% एग्जाम्स का रेशियो ये है कि इस पे पूछा गया है। बाकी चाहे आप छोड़ दें लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। पठन विकृति में स्पेशली आपको समझना है डिसलेक्सिया, ये सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक, मतलब हर एग्जाम का एक निर्धारित सा प्रश्न है। अब पहले इस पे नॉर्मल प्रश्न आते थे कि डिसलेक्सिया क्या है, आपने उत्तर बता दिया साहब पठन विकृति है। अब देखो धीरे धीरे जैसे 2017 में आ गए, 2018 में आ गए, 2019 में आ रहे हो, 20 में आ रहे हो, तो अब इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाने लगे, मतलब ये बदलता हुआ स्वरूप है एग्जाम का, आपको उस टॉपिक के अंदर घुसना पड़ेगा। तो डिसलेक्सिया वास्तव में क्या है, देखिए डिसलेक्सिया क्या है, डिस प्लस लेक्सिस, डिस प्लस लेक्सिस, ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, डिस प्लस लेक्सिस, यानी लैटिन भाषा के दो शब्द हैं डिस प्लस लेक्सिस, ठीक है। डिस प्लस लेक्सिस का मतलब क्या है ये नहीं पूछा गया अभी तक, बट आपको दिमाग में रखना है कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है डिस प्लस लेक्सिस। डिस लेक्सिस मतलब कथन भाषा संबंधी दोष, डिफिकल्टी विथ स्पीच, आपको बोलने में कठिनाई है, आपको पढ़ने में कठिनाई है, आपको वर्णमाला के अधिगम में कठिनाई है, आप धारा प्रवाहित बोल नहीं पाते हो, बोलते बोलते आप रुक जाते हो। मतलब नॉर्मली प्रश्न पूछेगा तो केवल ये पूछा कि डिसलेक्सिया कौन सी विकृति, पठन विकृति है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है डिस प्लस लेक्सिस। डिस और लेक्सिस का मतलब क्या होता है, कथन भाषा दोष विकृति, डिफिकल्टी विथ स्पीच, क्या बोल रहा हूं मैं, डिफिकल्टी विथ स्पीच क्या है, डिसलेक्सिया है, याद रखना। अब इसके बहुत सारे लक्षण हैं, पहले नॉर्मल यही प्रश्न पूछता था लेकिन अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा डिसलेक्सिया क्यों होता है। हमारा जो बायां भाग होता है मस्तिष्क का, इसकी जो बाईं शंखपाली है उसमें जैसे ही क्षति होगी, कौन से भाग की बात कर रहा हूं मैं, बाईं शंखपाली की बात कर रहा हूं, इस बाईं शंखपाली में जैसे ही कोई विकृति होगी, ठीक है ना, इस बाईं शंखपाली में जैसे ही कोई विकृति हुई या कोई क्षति हुई, इससे जो उत्पन्न रोग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो हमारे मस्तिष्क के बाईं शंखपाली से संबंधित विकृति कौन है, डिसलेक्सिया है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस लेक्सिस, मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी विथ स्पीच, ठीक है। इस डिसलेक्सिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1887 में रुडोल्फ बर्लिन, किसने किया था, रुडोल्फ बर्लिन ने, जर्मनी के चिकित्सक थे, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और रुडोल्फ बर्लिन ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए इसको शब्द अंधता कहा गया था, इन्हीं शब्दों को आप देख ही नहीं पा रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो एक प्रकार से शब्द अंधता है। ये किसने कहा, रुडोल्फ बर्लिन ने, कब प्रयोग किया, 1887 में। तो डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग करने वाले रुडोल्फ बर्लिन है, मतलब क्या है, डिफिकल्टी विथ स्पीच, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, डिस प्लस लेक्सिस से मिलकर बना है, और हमारे ब्रेन का जो बायां शंख वाली भाग होता है उसमें क्षति के कारण डिसलेक्सिया उत्पन्न होता है। अब नॉर्मली पर्सन आपसे क्या पूछेगा कि डिसलेक्सिया के लक्षण क्या है, तो लक्षण के रूप में आपको समझना है, देख लिया, डिस प्लस लेक्सिस, रुडोल्फ बर्लिन, 1887, लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बनाए, बाईं शंख वाली, और डिफिकल्टी विथ स्पीच, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। अब हम इसके लक्षण की बात कर रहे हैं, देखिए लक्षण क्या होते हैं डिसलेक्सिया के, बहुत सारे लक्षण हैं, खूब सारे लक्षण हैं। आपने भारत में एक मूवी देखी होगी तारे जमी पे, और उसमें जो बच्चे ने अभिनय किया था वो डिसलेक्सिया संबंधी था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी थी वो, वो मूवी देख लोगे तो आपको डिसलेक्सिया पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्पेशली लक्षण क्या होता है और एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए, देखिए बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, क्या नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, धारा प्रवाह बोल नहीं पाएगा। अभी सीटेट का एग्जाम यदि किसने दिया है 2019 में, तो इसमें ये प्रश्न आया था कि बच्चा बोलते बोलते रुक जाता है, यानी धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वर्णमाला नहीं सीख पाएगा वो बच्चा, ठीक है। वो बच्चा बी को डी समझ रहा है या डी को बी समझ रहा है, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, डी को बी समझ रहा है, ठीक है, W को M समझ रहा है, ये विकृतियाँ इस बच्चों में होती हैं, ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ गए, ठीक है। कई स्थानीय भाषा संबंधित दोष होते हैं, जैसे हरियाणा साइड में बच्चे में स्कूल जो है उसको स्कूल बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं बच्चे में, वो भी कहते हैं कि डिसलेक्सिया संबंधी रोग है,
तो ऐसे भाषा संबंधी विकृति आप पढ़ नहीं पा रहे हो, धारा प्रवाहित बोल नहीं पा रहे हो, वर्णमाला संबंधी कठिनाई है, बी को डी समझ रहे हो, डब्लू को एम समझ रहे हो, ठीक है, बोलते बोलते बीच में रुक जाते हो, आपका उच्चारण एकदम से गलत हो रहा है, ठीक है, आपके पास शब्दकोश है ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपके पास शब्द भंडार एकदम से खत्म हो चुका है, ये भी डिसलेक्सिया है। इसके अलावा बहुत सारी विकृतियां हैं। एक 2016 जो आपका रेट का एग्जाम था उसमें प्रश्न आया था कि डिसलेक्सिया संबंधी कौन सा लक्षण नहीं है, वहां एक ऑप्शन लिखा हुआ था कि हाथ के प्रयोग को लेकर निश्चय की स्थिति, तो डिसलेक्सिया संबंधी रोग के जो बच्चे होते हैं वो हाथ के प्रयोग को लेकर निश्चय नहीं कर पाते हैं, यानी उनमें अनिश्चय होता है। क्या होता है? अनिश्चय होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे इस हाथ का प्रयोग करना चाहिए कि इसका प्रयोग करना चाहिए, पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं, शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाते हैं, जूते के शोल नहीं बांध पाते हैं, तो इनका जो हस्त कौशल होता है वो क्या होता है दोस्तों, बेहद कमजोर होता है। किन बच्चों का? डिसलेक्सिया का। समझ में आ गया? पठन विकृति है, उच्चारण विकृति है, बोल नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे, उल्टा पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, W को M समझेंगे, B को D समझेंगे, D को B समझेंगे, शब्दों की दिशा को नहीं पढ़ पाएंगे, उल्टा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, शब्द दोष कमजोर होगा, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होगी, ठीक है, बीच बीच में कुछ शब्दों को भूल जाते हैं, ये सब कौन सा रोग है आपका? डिसलेक्सिया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रोग था, जो मैंने लक्षण बताए इनको आप आराम से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब और भी डिटेल में आपको जाना हो, पर्सन यहां से आ जाएगा, फिर भी आपको जाना हो कि सर वास्तव में और क्या होता है, तो इसका एक टेस्ट बनाया था इसकी पहचान के लिए, किसने बनाया था? एलेना बॉर्डर, ठीक है, ये एलेना बॉर्डर ने 1973 में इसका एक टेस्ट बनाया था, ठीक है, ये टेस्ट था बोर्ड ऑफ टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा नोट्स में, आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है याद रखना, एलेना बॉर्डर ने डिसलेक्सिया की पहचान के लिए एक टेस्ट बनाया था, बोर्ड ऑफ टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, ये टेस्ट था इसकी पहचान करने के लिए, ठीक है, बाकी जैसे बच्चे को आप स्कूल में भेजोगे बच्चा पहचान जाएगा, फिर भी याद रखना। ऐसा ही एक टेस्ट डिसलेक्सिया में भारत में भी बनाया गया है, डिसलेक्सिया अर्ली स्पीचिंग, ठीक है, डिसलेक्सिया अर्ली स्पीकिंग, ये टेस्ट भारत में बनाया गया है, दो टेस्ट भारत में बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। एलेना बॉर्डर पहली महिला थी जिसने 1973 में इसके पहचान के लिए बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न टेस्ट बनाया था, भारत में भी एक ऐसा टेस्ट बनाया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करके जाना है, डिसलेक्सिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है, आपको याद रखना है, पठन विकृति है, बाकी इसमें बहुत सारे रोग हैं, मैंने बता दिया, हस्त कौशल कमजोर है, वर्णमाला कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, उल्टा करने में कमजोर है, बीच में शब्द लुप्त हो जाते हैं, सब डिसलेक्सिया है। तो पठन विकृति में तीन रोग आते हैं, पहला मैंने डिसलेक्सिया आपको समझा दिया है, दो रोगों की और चर्चा कर रहा हूं मैं, एक आता है एलेक्सिया। अब एलेक्सिया इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी समझ लो, ये भी पठन विकृति में आता है। एलेक्सिया में आपको इतना ही समझना है कि पढ़ने और सीखने की शक्ति का लुप्त हो जाना, पढ़ने व सीखने की शक्ति क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहे हैं, ये कौन सा रोग है? एलेक्सिया। यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था कि सीखने की अयोग्यता क्या कहलाती है? एलेक्सिया। और एक तीसरा और अंतिम रोग आप समझ लीजिएगा, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या होता है? हाइपरलेक्सिया को भी पठन विकृति में माना गया है, कुछ किताबों में लेखन विकृति में भी शामिल किया गया है। हाइपरलेक्सिया का मतलब होता है वाक्य और शब्दों को समझ नहीं पाना। किसको समझ नहीं पाना? वाक्य और शब्दों को समझ नहीं पाना। और जैसे मान लीजिए मैंने बोर्ड पे कुछ भी लिख रखा है, अब इस रोग से ग्रस्त जो बच्चा होगा उसको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर बहुत छोटे या बहुत बड़े, कभी छोटे दिख रहे हैं कभी बड़े दिख रहे हैं, ये कौन सा रोग है आप में? हाइपरलेक्सिया। वाक्य और शब्दों को समझ नहीं पाना, अवबोध नहीं होना, और बोर्ड पे लिखे हुए शब्द या वाक्य बहुत छोटे या बहुत बड़े आकार में दिखाई देना, ये कौन सा रोग है? हाइपरलेक्सिया। ये आज की हमारी पठन विकृति जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसमें तीन रोग डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया आते हैं, ये आपको समझने थे। अब मैं एक विवादित प्रश्न की आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, बहुत बार बच्चों का कमेंट बॉक्स में प्रश्न आता है कि सर ये बुद्धि लब्धि का सूत्र, आईक्यू लब्धि का, बुद्धि लब्धि जो सूत्र है वो किसने दिया है? तो याद रखना, इसको समझ लें, आईक्यू बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम शब्द आता है, क्या आता है? सर्वप्रथम आता है, या सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया, या सर्वप्रथम विचार किसने दिया? ये तीनों शब्द यदि आते हैं तो आपको करना है विलियम स्टर्न।
आपको क्या करना है, विलियम स्टर्न करना है। सर्वप्रथम शब्द विलियम स्टर्न, सर्वप्रथम सुझाव देने वाला, सर्वप्रथम विचार देने वाला, सर्वप्रथम विकास करने वाला था विलियम स्टर्न 1912। ठीक है, सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने दिया था। लेकिन आपसे प्रश्न आ जाए कि सूत्र को विकसित किसने किया है, वर्तमान सूत्र किसने दिया है, तो वर्तमान सूत्र या वर्तमान एम ए बट्टा सी ए गुणा सो, ये जो सूत्र था ये किसने दिया था, 1916 में टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। वैसे बुद्धि टॉपिक में डिटेल में चर्चा करूंगा, कन्फ्यूजन दूर करना। सर्वप्रथम शब्द आता है, सर्वप्रथम सुझाव आता है, सर्वप्रथम विचार आता है, तो विलियम स्टर्न 1912, इन्होंने केवल एम ए बटा सी ए दिया था। और गुणा सो के साथ जो वर्तमान सूत्र आप देख रहे हैं वो किसने दिया था, टर्मन ने 1916 में। ये दो विवादित प्रश्न थे, इनका समाधान किया। इसका सेकेंड पार्ट है वो कल या परसों में मैं डाल दूंगा। धन्यवाद।